तो फाइनली अब मुझे बैक रेस्ट मिल गया इसका, जो कि कुछ इस हिसाब का है। कहाँ गई है? और इस पर्पज के लिए अपने को चाहिए था, वो भी है इसमें। ये यहाँ पे लग के प्रॉपर बन जाएगा। फिलहाल इसमें ये सीट खोलनी पड़ती है, ये खोल के भाई लगाएंगे। मतलब और कोई तो इसमें एक्स्ट्रा छेद वगैरह तो नहीं होगा ना? चलो इसमें कोई एक्स्ट्रा छेद वगैरह नहीं होगा, खोल दिया है। इस पर ये डायरेक्ट कर देंगे अभी से, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा इसे छोड़ोगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये पेस्ट टाइप कर देंगे। अच्छा अच्छा चलो ये बढ़िया है। और क्या अच्छा ये, और इसको ये कैसे लगेगा? एक बार लगाना दोबारा, इसी को ऊपर लगेगा ना? अरे नहीं ये अच्छा कम चौड़ा है, मैं कह तो रहा हूँ ये थोड़ा वो करना पड़ेगा इसे। मैं वही तो कह रहा था, चौड़ाई में कम है। जब वो कह रहा था ये हटेगा वो हटेगा, अरे भाई इतना भी जुगाड़ मत फेल इसमें हैं, इतना भी जुगाड़ मत फेल। नहीं आएगा, नहीं आएगा हैं? आगे इन पेटों पे आएंगे, आगे वाला भाई यहाँ तो आ जाएगा। बट ये तो मेरे को चाहिए ही ना, ये यहाँ पे लगा, इस वाले पेज पे लगेगा। कैसे लगेगी यहाँ पे बाबू मुशाय? इस पेज पे नहीं लगेगा ना ये, और किसी पेज पे नहीं लग सकता साजन, अगर वो आएगा तो। फाइनली बेटा ढूंढने के बाद मुझे बैक रेस्ट तो मिल गया है। अभी बैक रेस्ट देखते हैं फिटिंग इसी किस हिसाब से होती है। अभी फिटिंग का ही वेट कर रहे हैं, भाई करेगा किस हिसाब का जुगाड़। फिटिंग होती है फिर चलते हैं। बाकी शॉप का नाम है, दिखा देता हूँ, नाम है लक्की ऑटो एक्सेसरीज, ये करोल बाग में ही है। अब एंट्री करोगे इस रोड से, यहाँ पूरी बाइक की मार्केट है, इसी बाइक की मार्केट में ही आते ही है, लेफ्ट हैंड साइड पर लक्की ऑटो एक्सेसरीज। बढ़िया चल रहा है, खेत लग ही गए वैसे एक तरह से सारे नट है ना। ये अभी और कैसे जाएगा या बस कैसे जाएगा? ये तो जैसे लगभग, हाँ ये तो हो गया। ये ना वेल्डिंग ऊपर नीचे हो ही जाती है फिटिंग के टाइम पे। ये वैसे भी एग्जैक्ट इसके लिए नहीं बना ना, ये दूसरी बाइकों के लिए बना है। हाँ तो दूसरी बाइक का ही है ना, इसका नहीं है ना है? इसी का ही है। अरे भाई ये आइनस नहीं है, ये 350 RS है, आइनस दूसरी है। तो अभी तक तो वैसे इसमें कुछ कटिंग हुई नहीं, एक नट यहाँ पहले से ही था ये लग गया, यहाँ एक पहले से ही छेद था यहाँ ये लग गया, तो ऑलमोस्ट कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ भी कुछ नहीं लगा, बस इसका ही है इस ग्रिल का। इसको शायद यहाँ पे ये कुछ पत्ती एडजस्ट करेंगे इसके बीच में, देखते क्या हिसाब बनता है। फिर यहाँ एक पत्ती लगेगी इसकी जितनी, फिर ये फिट हो जाएगा। बस बन गया अपना काम, जो चीज़ बच रही थी अपनी वो भी लगी गई, पूरी तैयार होती है फिर मैं दिखाता हूँ कैसे लगती है बाइक। ये हमारा बैक रेस्ट लग गया, इसको भाई ऊपर ही रखियो सबसे। हाँ ये सारा काम जब मुझे कराना पड़ रहा है सिर्फ साजन के लिए, क्योंकि साजन मेरे पीछे बैठ के जाएगा इस राइड पे, जो कि अभी फोन पे लग रहा है। इसके चक्कर में मैंने ये लगवाना पड़ा है, नहीं तो मैं बिना इसके जाता। चलो शॉप में जैसे आपको बता चुका हूँ लक्की ऑटो एक्सेसरीज, और मुझे ये बहुत सही प्राइस में मिल गया, 1500 रुपये में, करोल बाग लक्की ऑटो एक्सेसरीज। बैक रेस्ट ये सामान था। अब हमारी राइड हो रही है 21st to 21st of December को। ये आप देख सकते हो, दिखा दो, मिला है मेरे को ये
इसका जो प्राइस इन्होंने मुझे दिया है 1500 रुपये दिए, 1500 रुपये में इन्होंने लगा दिया है प्रॉपर। इसमें कुछ कटिंग वटिंग नहीं हुई, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ये चेंज कराई है, पत्ती सी लगाई है जैसे कि अपनी एक जो ग्रिल है इसको कोई इशू ना हो, ये भी एज इट इज़ लगी रहे। तो और सब तो ठीक है, और तो मैंने और कुछ करवाया नहीं, बाकी इसमें और तो सामान बचा नहीं ना, हमारे सारे लग चुका है, हेलमेट हो चुका है, साजन के ग्लव्स लेने हैं, साजन ग्लव पसंद करेगा अपने दिन लेंगे, मजबूत चाहिए बहुत, फिर मैं 50 किलो वजन आराम कर 50 किलो वजन आराम से लेना, 50 किलो वजन पक्की बात पक्की है, ये लोहे का वैसा भी बात है। हाँ नहीं, वैसे तो मजबूत है ये प्रॉपर, मैं तो देख के मजबूत है, हम जाम ये नट वट तो कोई नहीं है ना इसके, तो जूते सारे लग गए आपके, चलो ठीक है हमारा सामान लग गया, ये चीज़ हमें वापस मिल गई। चले अब आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शॉप का नाम सारा और जो ये सामान लगा और बहुत सारी चीज़ है। अब इस राइड के बाद हम एग्जॉस्ट भी चेंज कराऊंगा मैं इसका, जो अंदर फिल्टर होता है जिससे आवाज़ चेंज हो जाती है वो भी कराऊंगा। बाकी निकलते, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बढ़िया से, चलो निकलते करते हैं। ये भैया की शॉप है, आप इसमें देख सकते हो काफ़ी सारा सामान है वैसे प्रॉपर, ये साइलेंसर एग्जॉस्ट वगैरह ये सब यहाँ पे। अभी मैं हेलमेट का एक लॉक ले लेता हूँ, ये मंजी रोड है, कोई सी भी ले लें, यहाँ तो बहुत बांध नहीं है, वो सारी ब्लैक ही जाती है बाद में वैसे ही। मैंने जब बाइक रेंट पे लेके गया था केदारनाथ दो साल पहले, जब 10 रुपये की एक वैसे दी थी किराए पे बाइक किराए भी किराए पे नहीं नहीं बाइक के साथ ही, तो उसका अलग था, बाइक के साथ था ये, इसका अलग था 10 रुपये एक, कितनी एक ले दो ले लो ना, दो एक और दे दो भैया, कौन सा कलर दिया, कोई भी लेगा अब तो आप वाली बात है, यही वाला हाँ ऑरेंज। चलो ये हमारी बंजी रोड भी हो गई है, इससे सामान बांधने काम आएगी और लॉक का देखते हैं, नहीं तैयार होंगे उनमें है ना। चलो हमने बंजी रोड ले ली, बाइक में अपना हेलमेट पहले हो ही चुका, ये अपनी लगी गई प्रॉपर, ये कुछ इस हिसाब का लग रहा था हम जाम, बस ये टिका रहना चाहिए, इतना गैप बचा है, इतना बड़ा है, ये नट वगैरह कुछ कटे हैं नहीं, सारा तामझाम ठीक है, बाइक को वॉश कराने रह गया, देखो कितनी गंदी हो रही है, वॉश कराते हैं फिर निकलते हैं। चलो ठीक है भैया, कितना हो गए बता दो एक बार।